फाइनली आज हम लोग का व्लॉग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गाड़ी के लिए, जो कि सेडान है और जिसका नाम है स्कॉडा स्लेविया। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं स्कॉडा के शोरूम और हम आप लोगों को ले चलते हैं। बट उससे पहले एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मेरे यहाँ अपार्टमेंट के नीचे खड़ी हुई है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कैसी है। तो गाइज़ ये है वो चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा था, BMW की i8 जो कि हरियाणा नंबर की है, बट बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही है। एक तो ब्लैक कलर है और इसका इंटीरियर भी आप लोग गाइस देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। और मेन जो इसका ये पोर्शन है ना, ये बैक वाला, ओ हो शानदार ही हो रहा है यार ये। और इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी खड़ी हुई है, ओहो। बट इसका कोई तोड़ नहीं है क्योंकि ये यार i8, ओहो, बहुत ही ज़्यादा रेयर लोगों के पास, भोपाल में तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास है। और हम लोग बिना किसी देर के अब सीधे हम लोग आप लोग को स्कॉडा के शोरूम पे स्लेविया का जो लॉन्च है वो हम लोग आप लोग को दिखाएंगे और उसमें जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, टेस्ट ड्राइव, ये सब आप लोग को बताएंगे। चलते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये XUV300 क्या कर रही है, बट एक्चुअली मेरी गाड़ी सर्विस पे गई हुई है तो उन लोगों ने मेरे को डेमो व्हीकल नया जो कि है वो भी XUV300 दिया हुआ है, जो कि एक नया व्हीकल है। बट ये तो महिंद्रा की बहुत अच्छी बात है कि सर्विस के टाइम पे भी अगर जैसे आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कार की, तो वो आप लोग को ऐसी एक गाड़ी कोई प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर आप उन्हें एक जेन्युइन रीज़न देते हैं। तो चलिए तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और इसका इंटीरियर भी वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा क्लास इंटीरियर है इसका। और ये हम लोग को टॉप मॉडल ऑटोमेटिक दी हुई है गाइस। और चलिए हम लोग चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए सीधे स्कॉडा के शोरूम पे हम आप लोग को ले चलते हैं। तो आइए गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग स्कॉडा के शोरूम पे पहुंच चुके हैं और ये शायद स्लेविया खड़ी हुई है हम लोग की। और हम लोग आप लोग को और चीज़ें और बताते हैं, डिटेल्स और गाड़ी का पूरा स्पेक्स देते हैं हम आप लोग को। तो चलिए फिर। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं नई स्लेविया के सामने और आप लोग देख सकते हो सामने। और ये आती है गाइज दो पेट्रोल इंजन्स में, जो कि है 1 लीटर का और एक है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसमें, और ये 178 की NM की टॉर्क जनरेट करता है। और गाइज आइए मैं आप लोग के इसकी इंटीरियर और पहले इसका बूट चेक करवाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। तो आइए गाइज। तो ये गाइज इसका बूट है और बहुत ही ज़्यादा मैसिव बूट है, जो कि है 521 लीटर्स का। और इसमें बहुत आराम से आप लोग 3 हैंड बैग्स और 3 चेक इन बैग्स और 1 हैंड बैग और रख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव बूट है। चाहिए हम लोग आपको इसका इंटीरियर चेकआउट कराते हैं। ओहो इस गाड़ी का क्लास ही अलग है यार, मतलब क्या बोल सकते हैं इस गाड़ी के बारे में। एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फिनिश दिया हुआ है आपको पूरी गाड़ी में। तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं स्कॉडा स्लेविया के अंदर और ये दो पेट्रोल इंजन में आता है, जो कि है एक 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन में और एक 1 लीटर के पेट्रोल इंजन में आता है। और गाइस इसमें ये 178 का टॉर्क जनरेट करता है गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पावर है और इसका एवरेज भी बहुत अच्छा है। स्लेविया के अंदर जो कि है 1 लीटर के पेट्रोल इंजन में स्टाइल वेरिएंट में हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें वर्चुअल कॉकपिट आता है आप लोगों के लिए। और तो गाइज ये है इसका वर्चुअल कॉकपिट और ये जैसे कि हमें साइन दिखा रहा है प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट्स, अभी हम लोग शोरूम पे खड़े हुए हैं तो हम लोग लाइट्स ऑन नहीं कर सकते। तो गाइज़ ये हम लोग स्कॉडा स्लेविया के अंदर हैं, जो कि 1.0 पेट्रोल इंजन के अंदर है और इसमें 1.5 का पेट्रोल इंजन भी आता है, जो कि अभी एक्चुअली मार्च में रिलीज़ होगा, March 3rd या 4th को आई गेस ये रिलीज़ हो जाएगा। और इसमें बहुत ही ज़्यादा गाइस कूल फीचर्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, जो कि इंफोटेनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा। और इसका पहले तो इसका जो प्रीमियम फिनिश दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसमें गोल्ड और ये क्रोम की जो भी लाइन्स हैं वो भी बहुत अच्छी दी हुई हैं। आप ये ग्लोव बॉक्स में चेक कर सकते हो, ग्लोव बॉक्स में भी एक AC का वेंट दिया हुआ है, जिससे आपकी जो भी पानी की बॉटल्स हैं वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन रहेंगी। और गाइज इसमें ऑब्वियसली बात है सनरूफ तो होना ही था, जो कि ये मैनुअली है, उसके बाद ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हैं और ऐसे ही के स्टेयरिंग के साथ भी है, ये भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है। तो आप देख सकते हो ये देखिए टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ। इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई हम लोग को आश्चर्यजनक वाली तो चीज़ है नहीं कि इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक नहीं हो, क्योंकि स्कॉडा की बहुत सारी गाड़ियों में ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आता है गाइज। और इसमें गाइज
एयर वेंटिलेशन के लिए या आपकी सीट्स में भी आगे की जो पैसेंजर सीट है, को पैसेंजर सीट है और ड्राइवर सीट है, तो उन दोनों के लिए वेंटिलेशन का सिस्टम है और इसमें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से ही बंद कर सकते हो आप इसे। तो और ये गाइज, ये एक्चुअली स्टार्ट एंड स्टॉप का हाइब्रिड फीचर है, जो जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे तो जब आप क्लच छोड़ते हो, किसी ट्रैफिक में खड़े होते हो, जैसे ही ये ऑन होगा तो गाइज अपने आप ही ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो जाएगी और आपको जैसे ही वापस गाड़ी चलानी होगी, आप क्लच पे पैर रखोगे तो ये गाड़ी वापस ऑन हो जाएगी गाइज। और इसमें बहुत ही ज़्यादा इंफोटेनमेंट में बहुत ही अच्छे, मतलब सिंप्लीफाई किया हुआ है इन लोगों ने, जैसे म्यूज़िक का यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप आराम से आपके म्यूज़िक को यहाँ से चला सकते हो। और यहाँ से आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का भी यहाँ पे साइन दिया हुआ है, जैसे आप ट्रैक्शन कंट्रोल को आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी एक साइन आ जाएगा कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ऑफ हो चुका है। तो यहाँ से हम लोगों ने वापस इसको ऑन कर दिया, हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, बिकॉज गाइज ये हम लोग आपको कुछ सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। और इसमें जो इसका एसी का है, ये इसमें पूरा टच दिया हुआ है गाइज, लो हाई ऑटो, इसमें भी ऑटो सेंसिंग वाइपर्स है और इसमें भी प्योरीफायर दिया हुआ है, जो कि कोरोना काल में आजकल हम लोग बहुत सारी गाड़ियों में देख रहे हैं वो लोग देते हैं फिल्टर, तो यहाँ पे भी ये एयर केयर का दिया हुआ है इन लोगों ने। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है इसकी, मतलब एक तो कंफर्टेबल सिटिंग है, मैक्स ऑटो एंड ऑल द थिंग्स, डी फॉगर एंड ऑल द थिंग्स, फ्रंट डी फॉगर, इसी में भी बहुत ज़्यादा अच्छी कूलिंग है। अभी गाड़ी हम लोग की गाड़ी ऑन है, जबकि हम लोग को पता भी नहीं लग रहा है कि गाड़ी ऑन है, बट तब भी देखिए पेट्रोल इंजन में तो वैसे भी आवाज़ नहीं आती है। यहाँ पे ग्लोव बॉक्स में भी सफिशिएंट स्पेस दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे एक टू ग्लास होल्डर्स का वो दिया हुआ है, यहाँ पे कीज़ को रखने के लिए एक अच्छी प्रॉपर स्पेस दी हुई है, जहाँ आप आराम से रख सकते हो। ये तो दो हैं इसलिए यहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं। तो गाइस बात करते हैं अब जाके सीधे इसके स्कोडा की साउंड की, जो कि 3D सराउंड साउंड बनाता है। यहाँ पे स्कोडा की तरफ से यहाँ पे स्पीकर्स और बहुत ज़्यादा बैजिंग दी गई है यहाँ पे स्कोडा की साउंड की भी, और बहुत ही ज़्यादा स्पेस दिया गया है आगे भी और इनफैक्ट पीछे भी। तो आइए हम लोग आपको रियर सीट्स पे एक बार ले चलते हैं और देखते हैं इसकी स्पेस कैसी है। तो इस पीछे का स्पेस भी जो है आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब आपको बहुत अच्छा लेग रूम मिल रहा है। हाँ बट थोड़ी सी एक देखा जाए तो ये एक चीज़ मतलब एक दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा हाइट कम है, बट तब भी ठीक है, आपको लेग रूम है एटलीस्ट अच्छा मिल रहा है, तो आप नीचे होके थोड़ा बैठ सकते हो। बट ये भी थोड़ी सी सीट थोड़ी सी आगे है, मैं आपको इसकी सीट पे यहाँ पे बैठ के दिखाता हूँ। और गाइज यहाँ पे भी तब भी बहुत अच्छा लेग रूम दिया हुआ है इन लोगों ने गाइज। और यहाँ पे पीछे वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, और यहाँ पे भी इन लोगों ने लाइट्स दी हुई हैं, जो कि हर जगह हर गाड़ी में देती हैं, बट ये जो एक फील जो आ रहा है मेरे को यहाँ पे बैठने में, बहुत ही कम्फर्टेबल फील है गाइज। और हैंड रेस्ट में भी ये दो कप होल्डर्स इन लोगों ने दिए हुए हैं। और यहाँ पे गाइस एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जो एक फील है, आप आराम से मतलब मैं कंफर्टेबली यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मुझे मतलब एक तो मेरी यार मेरी हाइट भी ज़्यादा है नहीं, मेरी 5'8" ही हाइट है, तो उसके हिसाब वाला अगर जो भी इंसान है तो उसको आराम से लेग रूम में मिलेगा। अगर जो 6 फिट का है उसको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, बट तब भी इतनी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ये गाइस पूरी पीछे लीन हुई हुई है गाइस जो सीट है। तो गाइज ये भी पूरी पीछे सीट लीन हुई हुई है, और इसमें यहाँ पे दो एसी वेंट्स दिए हुए हैं और सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं दो पीछे, जो कि बहुत सारी गाड़ियों में नहीं होते। ऐसे ही आगे भी दो सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं, USB पोर्ट नहीं दिए हुए हैं गाइज इसमें। तो सी टाइप के आजकल एक्चुअली ट्रेंड है, बिकॉज आईफोन्स का जो ट्रेंड है ना उसमें सी टाइप का जो मतलब है वो बहुत ही अहमियत देता है आजकल एप्पल यूज़र्स को। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे जो एसी वेंट्स के साथ, और ये यहाँ पे एक जो स्पेस अच्छी डिसेंट स्पेस है, और उसमें आपके ये फ़ोन होल्डर है, यहाँ पे मतलब आप अपना फ़ोन रख सकते हो। दोनों जगह पे आपको ये फ़ोन रखने के लिए भी एक स्पेस दी हुई है, यहाँ पे दो कप होल्डर्स की जगह है, और ये भी वन टच अप एंड डाउन ये यहाँ पे दिया हुआ है इसमें। स्कोडा में हर गाड़ी में ज़्यादातर आता ही, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो मतलब बोलने का मतलब ही नहीं है यार, गाड़ी मतलब एक बिल्ड क्वालिटी की तो बात ही है, बहुत शानदार है। तो भाई ये थी हम लोग की स्कोडा लैविया, जो कि हम लोगों ने स्टाइल वेरिएंट अभी आप लोग को दिखाया है, अवेलेबल है नहीं टेस्ट ड्राइव के लिए। तो हम लोग थोड़े दिन में आप लोग को टेस्ट ड्राइव की एक वीडियो भी आप लोग को बताएंगे कि टेस्ट ड्राइव में ये कैसी गाड़ी है, वैसे तो अच्छी होगी। तो भाई जो भी मेरा दोस्त है, और वैसे तो टेस्ट ड्राइव की बात ही नहीं है, बिकॉज ये गाइज मिनी ऑक्टेविया, अगर देखा जाए तो मिनी ऑक्टेविया है ये, और गाइज बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। और एक मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे स्कोडा की एक चीज़ है, जो कि एक बिल्ड क्वालिटी की जो बात होती है ना वो आपको स्कोडा में मिलती है। गाइज जो भी मेरा दोस्त ये वीडियो देख रहा है, जिसको भी मेरे से कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरी आप तक पहुँचती रहे।